ये हमारे साथ हैं एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और ग्लोबल रिसर्च हेड नीलकंठ मिश्रा। और वीरू, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, नीलकंठ मिश्रा इस देश के टॉप माइंड्स में से हैं, और जो आईआईटी का जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं उसमें उनको जैसे वो AIR ऑल इंडिया रैंक में ना, वो AIR वो IIT में वो हवा बोलते हैं उनको, तो हवा 5 जो टॉप 5 एकदम जो क्रेम डेला क्रेम जिसे बोलते हैं ना, उसमें नीलकंठ जी आते हैं। नीलकंठ जी, गुड मॉर्निंग। इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया ना कि इंटरव्यू दमदार होगा। अब आपको जो कहना है सौगंध खा के बिल्कुल सही कहना है और अच्छा कहना है। हाँ, नहीं खैर, नीलकंठ जी रैगिंग के डेज की याद दिला दी अनुज आपने। हाँ, तेरी हवा क्या है वो। एक्चुअली मुझे ये सब इसलिए भी पता है क्योंकि नीलकंठ जी और मेरे भाई सेम ही साल में IIT में थे। चलिए नीलकंठ जी, गुड मॉर्निंग। बताइए किस तरीके से आपने रीड किया इस बजट को, क्योंकि कल सबने इस चीज़ को, मैं कल एक मतलब काफ़ी मार्केट हैवीवेट्स के साथ बात कर रहा था, सब इस चीज़ पर काफ़ी मतलब पॉजिटिवली सरप्राइज थे कि इलेक्शन ईयर में इतना स्ट्रॉन्ग फिस्कल डिसिप्लिन, और ये नंबर भी बिलीवेबल लग रहे हैं। मार्केट को ये लग रहा है कि शायद इससे भी ज्यादा अचीव हो जाए। आपका क्या व्यू है? नहीं, मेरा भी ऐसा ही मानना है, तो इसलिए काफी सीधा सा जवाब है कि जो जो एकदम इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि आप जब 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 प्राइवेट सेक्टर हाउसहोल्ड्स जब थोड़े विचलित हैं, स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तब सरकार को खर्च करना चाहिए, और जब ऐसा लगे कि हाउस होल्ड स्पेंडिंग वापस आ रही है, जब प्राइवेट सेक्टर अब खर्च करने को तैयार है, तो सरकार को हाथ खींच लेना चाहिए। जनतंत्र में, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में ऐसी टेम्पटेशन आती है कि जब खर्च करने का होता है तो ऑफकोर्स सबको अच्छा लगता है, बट जब ऐसा हो कि अब खर्च कम करना चाहिए तो उसमें सब लोग पीछे छूट जाते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं, जैसे जो अमरीका में हो रहा है, यूके में हो रहा है, कि वो स्पेंडिंग तो उन्होंने बढ़ा दी बट फिर वो कम करने में थोड़े विचलित हो गए। हमारे यहाँ सरकार ने थैंकफुली काफी अग्रेसिव डिसीजंस लिए हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव बजट के पहले कंसेंसस था इकोनॉमिस्ट का कि 5.2 टू 5.5 के बीच में फिस्कल डेफिसिट आएगा अगले वित्तीय वर्ष का, वो 5.1 पे ले आए। तो वो खर्च कर सकते थे पर उन्होंने सोचा कि शायद ये इकोनॉमी को जरूरत नहीं है, और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आप याद रखें कि हमारा डेट टू GDP अभी भी काफी बढ़ा हुआ है, तो अगर वो 80% से ज्यादा है तो हमारे पास ये हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, और उस रेशियो को कम करने के लिए हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली अपने फिस्कल डेफिसिट को कंसोलिडेट करना है। बस एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो अगर आप डेट टू GDP कम करने के लिए फिस्कल डेफिसिट कम कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग और भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही एक सवाल इन्वेस्टर्स ने कल मेरे से पूछा कि सरकार कुछ ज्यादा ही अग्रेसिवली तो नहीं कम करेगी, क्योंकि इससे फिर GDP ग्रोथ भी स्लो होनी शुरू हो जाएगी। आप याद रखें कि अगर सरकार का वित्तीय घाटा कम होता है तो उससे इकोनॉमी पे नेगेटिव असर पड़ता है, तो कहीं सरकार ने कुछ ज्यादा तो टाइट नहीं कर दिया। और अगर आप ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग जो है वो बहुत इंप्रूव करनी होती है। तो उस मुद्दे पे भी आप देखें कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो सरकार के कंट्रोल में नहीं होता और केपेक्स जो सरकार के कंट्रोल में है उसको आप हटा दें तो स्पेंडिंग में ग्रोथ ही नहीं। आई थिंक जो क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग है वो भी काफी सरप्राइजिंग और अच्छी थी। एक्चुअली मेरा अगला सवाल थोड़ा उससे रिलेटेड था, उसको इनफैक्ट थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ फिर मैं। अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि अगर आप देखें मार्केट ने पिछले 2-3 साल में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन अर्निंग्स भी उसी हिसाब से बढ़ी हैं। अर्निंग्स भी काफ़ी शानदार तरीके से डबल डिजिट से ज़्यादा हमने ग्रोथ की। इनफैक्ट मैं तो एक स्टडी पढ़ रहा था कि मार्केट जितना बढ़ा है उससे ज़्यादा अर्निंग्स बढ़ी हैं, तो क्या ये कंटिन्यू करेगा और क्या उस हिसाब से मार्केट अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है? मार्केट एक्सपेंसिव तो है, अब उस पे ज्यादा डाउट्स नहीं है, बट ये बात जरूर है कि पिछले 12 महीने 18 महीने में अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी रही है। इनफैक्ट ये इस फैक्ट को हम लोग पिछले 1.5 साल से बता रहे हैं कि एक पैटर्न होता था जो 2010 के बाद दिखा था कि जो निफ्टी EPS किसी एक साल का
जहां शुरू होता था, जैसे मान लीजिए वित्तीय वर्ष 2026, तो उसका अभी सितंबर में अक्टूबर में पहली बार निफ्टी ईपीएस निकला, तो करीब 30 महीना 32 महीना वो रहता है जब तक वो एक्चुअल नहीं हो जाए। तो वहां जहां से शुरू होता था वहां से वो 10-30% गिर जाता। पिछले 3-4 साल में वो गिरना बंद हो गया। तो हुआ क्या है कि जो 2010 और 20 के बीच में निफ्टी 4% के आसपास होती थी, वो अब बढ़ के 12-13-14-15% हो गई। और इसके कारण अगर आपके कट्स नहीं हो रहे हैं और आपका एनुअल ग्रोथ जो है वो 13-14% है, तो हर 3 महीने में रोल फॉरवर्ड के कारण आपका निफ्टी वो 3% से 4% से बढ़ जाता है। तो इसलिए अभी आई थिंक नवंबर 2023 तक तो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस जो थी वो अर्निंग्स के रोल फॉरवर्ड गेन के कारण हुई थी। उसके बाद थोड़ा पी मल्टीपल फिर से बढ़ गया है, इसलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा अच्छा हुआ है अभी। बट एक साल के अंत में फिर से वो अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, तो मेरे ख्याल से मार्केट का बहुत शार्प करेक्शन इसीलिए अनलाइकली। ठीक है सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि बाजार में एक थ्योरी ये भी थी, क्योंकि हम कुछ रेट सेंसिटिव्स को लाइक रियल स्टेट लाइक एचएफसी से एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे रहे थे इस मद्देनज़र कि भाई 2024 के मध्य में या फिर कम से कम नहीं तो थर्ड क्वार्टर में जाते जाते रेट कट्स की हमें संभावनाएँ नज़र आएंगी। एक आपका आर्टिकल मैंने कुछ समय पहले का पढ़ा भी था, जिसमें आप कह रहे थे कि अनलाइकली अ कट इन 2024। आप अपने उस मत पर अभी भी सहमत हैं सर? मतलब अभी भी वही सेम व्यू है? हाँ, तो आप ये देखें कि जो सो इसमें दो अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स की बात होगी। अभी पहला मैं आपको वो एमपीसी का व्यू, जो रेपो रेट का व्यू है, उस पर बोलूंगा, उसके बाद फिर 10-year बॉन्ड यील्ड्स पे आएंगे। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का टारगेट है वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो क्योंकि अभी सरकार वित्तीय घाटा गिरा रही है, तो कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी इन कंट्रोल है, इनफैक्ट गिर रहा है, वो 4 के नीचे आ चुका है। लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड प्राइसेस में अभी भी काफी वॉलेटिलिटी है, काफी वेदर चेंजेस के कारण, कोई कभी कभी लहसुन का दाम बढ़ जाता है तो कभी चावल का दाम बढ़ जाता है, तो वो जब तक हेडलाइन इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा तो एमपीसी को के पास स्पेस नहीं होगा कि वो रेट कट कर सके। दूसरी बात यह है कि यूएस में अभी भी, वैसे 10-year बॉन्ड यील्ड्स गिरे हैं इसलिए कि शायद ग्रोथ कंसर्न्स आ गए हैं और यूएस के बैंकिंग सिस्टम में छोटे बैंक फिर से डिस्ट्रेस दिख रहा है, लेकिन पॉवेल जो फेड गवर्नर हैं उनका तो यही सिग्नल था कि रेट कट शायद मार्च में ना हो। दूसरा, वो अभी भी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहे हैं, तो जब तक बाहर के हालात सुधरते नहीं है या फिर डॉलर फ्लोज जो इंडिया में आने वाले हैं उनकी विजिबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है, तो उस वजह से भी आई थिंक जो स्पेस है मॉनेटरी पॉलिसी का वो कंस्ट्रेंड रहेगा। बट 10-year बॉन्ड यील्ड्स की बात करें, जो इफेक्टिव बोरोइंग रेट होता है, तो अगर इस साल सरकार फिर से अपने से ऑक्शंस कैंसिल करती है, तो हुआ क्या है कि स्मॉल सेविंग स्कीम में करीब इस साल 1.5 लाख करोड़ ज्यादा पैसे आएंगे जितना की बजटेड है। हमने सोचा था कि रिवाइज एस्टिमेट शायद वो बढ़ा दे, बट उन्होंने बढ़ाया नहीं है। और गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस विद आरबीआई भी बहुत बढ़े हुए हैं, तो अगर उस कैश बैलेंस को सरकार को कम करना है और करना ही चाहिए, तो हो सकता है कि वो ऑक्शंस को कैंसिल करें, तो हो सकता है कि 10-year बॉन्ड यील्ड्स और गिर जाए। इससे तो जो इफेक्टिव बोरोइंग रेट्स हैं जैसे एनबीएफसी और इन तरह के एजेंट फर्म्स हैं, तो वो कम होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन के नंबर्स पे स्पेशली अगर आप देखें, आपकी नजरें रहेंगी, निगाहें रहेंगी। अच्छा सर, ये जो दिसंबर में जब कुछ स्टेट इलेक्शंस का वर्डिक्ट आया था, तो जब एक एटलीस्ट 2024 के लिए एक बाजार ने एक पिक्चर क्रिएट कर ली थी कि भाई लाइकली टू बी आउटकम क्या होगा जनरल इलेक्शंस का, उस वक्त एक और चीज़ थी, आई मीन इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया ने डोमिनेट किया था, जो फ्लो टूवर्ड्स इंडिया थे वो सबसे ज़्यादा थे सारे इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में। अभी फिर थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पे जो FPI फ्लो है थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है और जनवरी में थोड़ा सा एग्जिट भी रहा। अगले 3-4 महीने में, स्पेशली इन आई थिंक रन अप टू द इलेक्शंस, आपको FPI फ्लोज टुवर्ड्स इंडिया लगता कैसा है सर? काफी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। जैसे आप इंडिया के फ्लोज तभी होते हैं जब इमर्जिंग मार्केट फंड्स में पैसे जाते हैं, तो 2023 दिसंबर में हुआ क्या कि दिसंबर के शुरुआत में ही
फेडरल रिजर्व ने 3 कट्स का सिग्नल दे दिया अपने डॉट प्लॉट के थ्रू, और उसके बाद लोगों को लगा कि अब जब इंटरेस्ट रेट इतने गिर जाएंगे यूएस में तो इमर्जिंग मार्केट्स जहाँ पे की फ्लोज काफी वर्षों से नहीं हुए, पार्टली बिकॉज कि चाइना में रिस्क था, काफी अदर इमर्जिंग मार्केट्स आई थिंक देयर इश्यूज, उसमें कि अब फ्लोज आने लगेंगे, तो ईएम फंड्स में बहुत जोर से फ्लोज आए। फिर क्या हुआ कि जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 3.8 का था वो फिर 4.16 के ऊपर चला गया, क्योंकि लोगों को लगा कि शायद रेट कट्स अब इतनी जल्दी नहीं होने वाले हैं, जो फेड ने भी पिछले हफ्ते अभी इसी हफ्ते सिग्नल किया है। और उसके बाद जो यूएस की फिस्कल हालात है, तो जहां हमारे यहाँ पे सरकार ने वित्तीय घाटा कम किया है वहां पे सरकार नहीं कर पा रही है, तो उस वजह से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स फिर भाग गए, तो इमर्जिंग मार्केट फंड्स में फिर आउटफ्लोज हो गए। तो जो हमारे यहाँ से जो इन्वेस्टर्स निकले हैं वो भी कुछ हद तक उसी वजह से निकले हैं। अब अगर किसी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स की अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है, मान लिया कि जो चाइना पे अभी पेसिमिज्म चल रहा है वो रिवर्स हो जाता है, तो हो सकता है इंडिया में भी फ्लोज आ जाएं। बट अगर ऐसा नहीं होता है, मुझे नहीं लगता कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं इन द इक्विटी मार्केट रिटर्न्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज इस बजट के पूर्व जो मंत्रणा थी, बातचीत थी सीएनबीसी आवाज के साथ, उसके लिए आपने समय निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और निकट भविष्य में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। मार्केट अभी भी अगर आप देखें हायर लेवल्स पर सस्टेन करते हुए 21900